friend, welcome back my channel and please subscribe my channel and don't forget press the bell icon and please watching the full videos and आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please like करना मत भूलना. आज मैं आपको सीडी से पॉट बनाना सिखा रही हूँ. ये सीडी ले ली है कुछ, ये वेडिंग कार्ड है. ये सीजर, ग्लू, ग्लूगन बहुत ही इजी और बहुत खूबसूरत है. आप ट्राई जरूर करिए, पर प्लीज़ आप इस वीडियो को पहले लास्ट टाइम तक देखेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा. प्लीज़ फुल वीडियो ही वॉच करिए. मैंने इसको वेडिंग कार्ड लिया है, मैं इसको फोल्ड कर ले रही हूँ. फोल्ड करके साइड से इसको स्टेपल कर देती हूँ. इसको इक्वल कर दूँ पहले, मैं इसको स्टेपल कर रही हूँ. बहुत ही इजी है, आपको भी सेम ऐसे ही करना है. वेडिंग कार्ड ना हो या तो फिर रोल वगैरह हो घर पे पड़ा हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो. मेरे पास रोल नहीं था तो इसीलिए मैंने वेडिंग कार्ड का यूज़ किया है. अच्छे से स्टेपलर कर लूँ. ये देखिए स्टेपलर हो गया है राउंड. देती हूँ अब कुछ सीडीज मैंने जो ली हुई थी ऑलरेडी. अब ये वाइट कलर की सीडीज उनको अलग कर देती हूँ. ये ब्लू कलर की है, मैं इनको यूज़ कर रही हूँ. पहले क्या करना है, इन सीडी को दो पार्ट में डिवाइड करना है. आप देखिए मैं कैसे कर, बहुत ईजी ये काट है. आप घर में नॉर्मल सीडी जो भी यूज़ करते हो आप उसकी हेल्प से उसको कट कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं इसको कट करने में. ये देखिए टू पार्ट में डिवाइड हो गई मेरी सीडी. ऑलरेडी मैंने इतनी सारी कट करके रखी थी. ये देखिए इनको अब मैं रोल ले रही हूँ. रोल को सीडी की लेंथ से फिट कर लिया है. अब यहाँ से कट कर देती हूँ. जितनी सीडी की लेंथ होती है उतनी ही रोल की लेंथ रखनी है ताकि वो एक्स्ट्रा ना निकले. जी ये कट हो गया है. अब यहाँ भी स्टेपलर कर ले रही हूँ. देखिए आप, एक मैंने मिड में किया है, एक लास्ट पे किया है. ये हो गया है रोल. अब इसको मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है. फैब्रिक कलर यूज कर सकते हो, नॉर्मल कॉटन कलर यूज कर सकते हो. मैंने फैब्रिक कलर यूज किया है. इसको अच्छे से कलर कर लेते हैं. आउटर साइड कर रही हूँ, इनर साइड नहीं कर रही हूँ. आपको जैसा मन हो आप वैसे कर सकते हो. कलर करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं. अच्छे से ड्राई होगा उसके बाद ही हम लोग, ये मेरा ड्राई भी हो गया, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था. फिर ड्राई हो गया मेरा रोल. ग्लू गन की हेल्प से सीडीज को वन बाय वन करके पेस्ट करना है. अब देख रहा हूँ मैं कैसे कर रही हूँ. पहले मैंने ग्लू गन यूज किया हुआ है. अब सीडी को अच्छे से, इसको जब तक ये ग्लू अच्छे से ड्राई ना हो जाए आप इसको पकड़े रहो अच्छे से इसको सेट करने के लिए. देखिए सेट हो गया ये. ऐसे ही सेम नेक्स्ट करना है, कंटिन्यूस करते हैं ना. आपको जितने
कुछ दिन हो मैंने 1 इंच का स्पेस रखा है, 1 इंच का ब्लैक रख सकते हो, आधा इंच का ब्लैक रख सकते हो, ज़्यादा स्पेस आप हो गया है उसके अंदर फिर से आप सीडी कवर कर सकते हो। जिसमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है मैं इसके इसमें एक और सीडी अंदर कवर कर दे रही हूँ। ड्राई हो गया ये अच्छे से, मैं एक अंदर और सीडी यूज कर ले रही हूँ। सेकेंड सीडी यूज़ कर ले रही हूँ बीच में, उसको अच्छे से कपड़े को पकड़े है ना जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए ना, अब इसे कंटिन्यू आपको करते रहना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। इसके पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कंप्लीट हो गया मेरा हाउस, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसको चाहे तो अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, मैं उसको सिंपल ही रखने वाली हूँ। सिंपल ही रखा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।